अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूँ, मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र, माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरी जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी, माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को महंत दिनेन्द्र दास जी, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में दो चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के दो बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे।
आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। आज अंतकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका, इसके जो अनेक कारण हैं उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वो स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है,